गोपी, मीरा ने कुछ कहा? नहीं, मैंने विद्या को भेजा है मीरा को लाने के लिए। बड़ी माँ, मुझे नहीं लगता विद्या के कहने से मीरा दी नीचे आने वाली। इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम विद्या के साथ होते तो उसे ऊपर चाहे ऊपर, नीचे दाएं बाएं, जहां चाहे ना बाल आकर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप लोग खाना लगाइए और अभी हम मीरा दी को लेके आते हैं। चल बड़ी। माँ जी, राशि कहाँ है? राशि बस आती ही होगी, मैं ही बुला कर लाती हूँ उसे। अरे आ गई तुम? क्या बे? ये रही तुम्हारी गरम गरम रोटी, ये भिंडी की सब्जी हमारी फेवरेट है ना। चलो खाना शुरू करो। अरे राशि, ये क्या, तुम बाएं हाथ से खाना खाओगी? बेटा, बाएं हाथ से नहीं, खाना दाएं हाथ से खाते हैं। क्या हुआ राशि, क्या बात है? हे भगवान, राशि कैसे जला तुम्हारा हाथ? वो जब मैं तवे से रोटली लेने गई तब जल गया। राशि, तुम जानती हो ना गैस के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए। काकी ने भी यही कहा, पर वो बिजी थी ना, तो बेचारी कैसे कर पाती, इसलिए सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी काकी को पता है कि तुम्हारा हाथ जला है? हाँ, लेकिन माँ, इसमें परी काकी की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। मीठी बेन, आप इसे अंदर ले जाइए और उसके हाथ पे मरहम लगा दीजिए। परिधि, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी कठोर दिल कब से हो गई? आप मुझे गलत समझ रही हैं गोपी बेन। मैं जानती हूँ परिधि कि तुमने जानबूझकर राशि का हाथ नहीं जलाया है, पर इतना तो तुम मानती ही होगी कि तुम्हारी वजह से ही राशि का हाथ जला है। आप कैसी बातें कर रही हैं गोपी बेन? माफ कर, पर बच्चों को लेकर इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं है। हम सब मीरा को ढूंढने के लिए बाहर क्या चले गए, तुम एक दिन के लिए भी राशि का ख्याल नहीं रख पाए। राशि इसी घर की सदस्य है, जिस तरह से हम तोलो मोलो मीरा विद्या का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें राशि का भी ख्याल रखना होगा। बहन, जब राशि का हाथ जला था तब मैं तुरंत उसके लिए दवाई लेकर आई थी। परिधि, सिर्फ दवाई दे देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। अगर यही घटना राशि के साथ नहीं होकर तोलू मोलो या मीरा विद्या के साथ होता, तब भी क्या तुम उनके हाथों में जाके मलम थमा देती या खुद अपने हाथों से जाकर मरहम लगाती? बोलो परिधि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उस दिन भी तुम अपने कमरे से उसे इस तरह से धक्का मार के निकाल दिया जैसे कि वो कोई कोई मराई है। परिधि, इस बात को तुम समझो, वो एक छोटी सी बच्ची है, अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन कम से कम इस तरह से नफरत से पेश मत आ। तुम मानो या ना मानो, पर सच यही है कि राशि इसी घर की बेटी है। परिधि, काशी अनाथ नहीं, इसलिए तुम उसके साथ अनाथ जैसा व्यवहार मत करो, क्योंकि उसे जब कोई धुतकारता है तो उसे कैसा महसूस होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता होते हुए भी मैंने अपनी आधी जिंदगी अनाथ की तरह बिताई। परिधि, आगे से ध्यान रहे, राशि के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो,
इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं खाना खाना ना। What is this? What nonsense is this? हमने तो आपको ऑप्शन दिया था कि आप खुद नीचे आ जाओ, नहीं तो हम लेकर चलते हैं। आपने माना नहीं, इसलिए हम लोग ले। चलो अब चुपचाप खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। मीरा तुम कहीं नहीं जाओगी। परिधि, गोपी बहू, तुम लोग भी खाना खाने बैठ जाओ। जी। चिक्स, सब्जी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। थोड़े से चावल ले लीजिए। नहीं, डाइनिंग टेबल पे रख दो। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। जी, आप? बेटी कौन है? जिगर भाई, पुलिस आई है। साहब, आप इतनी रात को अचानक? कुछ जरूरी काम है जी। सब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मैटर मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। ये पुलिस क्यों आई है इस वक्त यहाँ? और डैड क्या बात कर रहे हैं उसे? मैंने खुद का किडनैपिंग करवाने का नाटक किया, इसलिए कहीं दादी ने तो पुलिस नहीं बुलाई। जो कोई भी मोदी परिवार के साथ बेहुदा हरकत करेगा उसे सजा तो भुगतनी ही होगी। किम, मैंने सही कहा ना मीरा? और जब ऐसे मामले हो तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को कानून के हाथ सौंप देने चाहिए, क्योंकि पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की बोलती तोते की तरह शुरू हो जाती है। ओह गॉड, अब तक मुझे सिर्फ डाउट था, बट नाउ आई एम श्योर कि दादी ने मेरे लिए ही पुलिस बुलाई है। संस्कार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छल किया हमारे साथ, हमारे पैसों को लेकर चला गया है, उसे मैं सजा दिलवा के ही रहूंगी। दादी, दादी, आई नो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, पर आप उसके लिए मुझे अरेस्ट तो नहीं करवाएंगी ना? हाँ दादी, प्लीज। मीरा तुम हो? गोपी बहू। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगता ये सही जगह है ये सब बातें करने की। हम लोग ऐसा करते हैं कि आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। जी, आइए। मत मारिए मुझे प्लीज। संस्कार की खातिरदारी हो रही है। अच्छा है। आप आइए मेरे साथ। अंकल, देखिए मिस्टर मोदी, आपके कहने से हमने संस्कार को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब हम उसे ज्यादा देर तक हवालात में नहीं रख पाएंगे। मतलब? क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अंकल, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ अंकल,
पर अंकल मैंने आपको कैश का बैग भी दे दिया है और मीरा भी घर आ गई है। अंकल मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल कि अंकल मैं मीरा को कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। प्लीज मुझे बस यहाँ से छुड़वा दीजिए अंकल प्लीज। भाई देखिए मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि इस लड़के को कड़ी से कड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा, लेकिन ये भी बात सही है कि इंस्पेक्टर साहब के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसे ज़्यादा दिन तक जेल में रख सके। सिवाय एक के, अगर आप किसी तरह अपनी बेटी को समझा कर उसकी तरफ से इसके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवा दें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी इस बात के लिए राजी होगी वो? मुझे प्लीज एक मौका दीजिए अंकल, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर, इसे छोड़ दीजिए। हवलदार छोड़ दो इसे। थैंक यू अंकल, आप लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी लाइफ स्पॉइल होने से बचा लिया आपने, थैंक यू। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू आज के बाद मीरा तो क्या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे ऐसी जगह गायब करवाऊंगा जहां से ना तो तुझे पुलिस ढूंढ पाएगी और ना ही तेरी फैमिली। अंकल आई प्रॉमिस अंकल मैं आपको कंप्लेन का एक मौका भी नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा क्योंकि भाई ने तुम्हारे लिए जो किया है उसे हमेशा याद रखना। अंकल मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा और फिर कभी मीरा से नहीं मिलूंगा अंकल, सच में। तू बैठक मोदी प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।